हेलो गाइस, स्वागत है हमारे फिर से एक नए ब्लॉग पर। तो अभी सुबह का 8 बज रहा है और मुक्कू ड्यूटी चले गए हैं 6 बजे ही। तो आज हम अपना मायके जाने वाले हैं, तो चलिए मायके ले जाने के लिए अभी हम लोग कुछ कुछ बनाने वाले हैं, तो वो सब सब आपको ब्लॉग में दिखेगा, तो ब्लॉग पर बने रहिएगा। तो सबसे पहले अभी तो देख सकते हैं बेड का हालत, इसको अभी सजाते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं किचन तरफ। तो चलिए ब्लॉग पर बने रहिए। तो अभी हम आ गए हैं रूम में और देख सकते हैं यहाँ बनने के लिए रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम भी बनाते हैं जल्दी जल्दी। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम बना रहे हैं गोल गोल, और दीदी कर रही है उसको, मतलब कि लोम रही है ये वाला पीठा को, क्योंकि इस बार मेरा शादी हुआ था जिसके कारण हमको नहीं बना था बनाने के लिए, तो इसीलिए दीदी उसको कर रही है और हम बस गोल गोल बना बना के रख दे रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या पीठा है। देख सकते हैं इधर बन के रेडी हो गया है, हम लोग बनाते भी जा रहे हैं और वहाँ डालते भी जा रहे हैं। तो देख सकते हैं इतना सारा निकाल चुके हैं बना के, और इधर चढ़ाया हुआ है और भी देख सकते हैं उबल रहा है अभी। इसको हम लोग तो बोलते हैं पीठा, तो आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको हम लोग डुम्बू भी बोलते हैं। गाइस सभी रूम आ चुके हैं और चलिए अभी देख सकते हैं 10:30 भी बज गया है, तो चलिए जल्दी जल्दी ब्रश व्रश भी करते हैं। ब्रश भी नहीं किए हैं, निकालते हैं ब्रश। तो चलिए जल्दी जल्दी ब्रश व्रश करते हैं, उसके बाद फिर नहा धो के फ्रेश भी होना है, टाइम भी हो जाएगा उसके बाद। तो चलिए ब्लॉग पर बने रहिए गाइस। तो अभी हम नहा धोवा के फ्रेश हो चुके हैं और सारा काम उम भी खत्म हो गया है, लेकिन एक काम बचा हुआ है। इधर देख सकते हैं बिस्तर उस्तर अभी सजाना ही है, तो चलिए अभी बिस्तर उस्तर सजाते हैं। मुकु आने का टाइम भी हो गया है, वो 2 बजे आएंगे अभी ड्यूटी से और उसके बाद जाएंगे। तो चलिए ब्लॉग पर बने रहिए गाइस। तो फाइनली अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और मुक्कू भी ड्यूटी से आ गए हैं। तो मुक्कू आया तब वीडियो जो बना नहीं पाए और जल्दी जल्दी रेडी हो गया क्योंकि शाम भी हो रहा है, तो रेडी होके ब्लॉग स्टार्ट कर। तो चलिए अभी रेडी हो चुके हैं और निकलते हैं यहाँ से जल्दी से, क्योंकि अभी 5 भी बजने वाला है, तो अंधेरा हो जाएगा। देखिए कैसे चमक रहे हैं, उतना स्मार्ट नहीं दिख रहे। तो चलिए ब्लॉग पर बने रहिए गाइस। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर से और आ गए हैं हमेशा की तरह रोड पर। तो चलिए अभी चलते हैं, लंबा रास्ता है। गाइस तो अभी हम लोग गुंडी पोखर बाजार आए हैं, क्योंकि आज बाजार लगा हुआ था तो घूस लिए हैं, कुछ कुछ लेना है तो लेते हैं। चलिए तो देख सकते हैं अभी हम लोग आए हैं चूड़ी के दुकान पर और देख सकते हैं ये वाला चूड़ी ले रहे हैं, तो चलिए अभी लेते हैं गाइस। तो फाइनली हम लोग बाजार से निकल चुके हैं सामान वामान लेके और थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है, तो चलिए अब चलते हैं सीधे गांव गाइस। तो देख सकते हैं हम लोग गीता पहुँच गए हैं और देख सकते हैं यहाँ लगा हुआ है सार्वजनिक राम कथा ज्ञान यज्ञ समिति। देख सकते हैं पुलिस वुलिस भी है, तभी हम लोग के पास टाइम नहीं है इसलिए हम लोग नहीं घुस रहे हैं। चलिए इधर शायद लगा हुआ है गेट उट भी, तो चलिए अभी हम लोग गीता पहुंच गए हैं, तो चलते हैं सीधा। गाइस तभी हम लोग रुके हुए हैं गीता से थोड़ा सा पहले, मतलब नहीं गीता में ही रुके हुए हैं, तो मतलब थोड़ा आराम करने के लिए। और उधर देख सकते हैं मुकु कैसा फोटोग्राफी कर रहे हैं, यहाँ पर बोले कि थोड़ा सा खड़ा हो लेंगे, तो वहाँ पर देख सकते हैं स्वयं उसका फोटोग्राफी कर रहे हैं। चलिए कहाँ दिखाओ, देख सकते हैं सब फोटोग्राफी, सनसेट है ना, अच्छा दिख रहा है। तो चलिए अब निकलते हैं, अंधेरा होने वाला है। हाँ और कितना,
चलो 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 तो चलिए गाइस अब निकलते हैं यहाँ से भी जल्दी से। गाइस तो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और हम तो कपड़ा वपड़ा भी चेंज कर लिए हैं। इधर मुक्कू और उधर मेरा भाई। तो चलिए अब बाहर तरफ जाते हैं और देखते हैं क्या क्या सीन है। मम्मी को मतलब कि आए और मम्मी ड्यूटी नहीं गई थी तो ड्यूटी पहुंचाने गए थे, तब तक हम कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिए थे। तो चलिए अब मुक्कू भी कपड़ा वपड़ा चेंज करेंगे। गाइस फाइनली अभी ड्रेस हम भी चेंज कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं पूरा फुल मतलब बॉडी दिखाते हुए। तो चलिए अभी हम खाना खाने चलते हैं हम लोग। चलिए आप सबको दिखाते हैं कि हम लोग को खाना में क्या बना है क्या नहीं। तो चलिए आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग पे लास्ट तक और ब्लॉग को एंजॉय करते रहिए। उधर है हम लोग किचन। तो अभी हम आ गए आप लोगों को शानवी से मिलाने के लिए। Hi guys. तो देख सकते हैं सानवी को ले मटकी इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो। एक बार हंस दो मैया एक बार हंस दो मैं भारी आई। देख सकते हैं सानवी का फोन अभी सबको फोन करेगी। हेलो करो हेलो 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 यहाँ रखो हेलो सानवी हेलो 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 सानी का खिलौना। तो अभी हम लोग आ गए हैं हमारे किचन पे और यहाँ पर लाइट नहीं है क्योंकि एक फेज पे लाइट है और एक फेज पे लाइट नहीं है शायद। पता नहीं कैसे वहाँ दिखा रहा है वो घर में तो है लाइट तो है ये नहीं है। कहाँ ऑफ है नहीं है तो यहाँ लाइट किसे है गाइस। तभी हम यहाँ पर अच्छा से घुसाना ऊपर से ले लो तक अच्छा से घुसाना हाँ ऊपर इधर से हाँ कोई दिक्कत नहीं यहाँ आएगा तब नहीं नीचे वाला में ठीक से हाँ तो वहाँ तो देखा दिमाग तो है नहीं इसका मुंह बने यार आप ही नहीं करती है डर इतना मुझ देख के सानवी हंसबो नहीं कर रही है था उसमें फोटो दिखाने से ही हंसते थे। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं अभी कार्टून खाना निकाल रही है और हम लोग जैसे कि अभी देसी तरीका लगा के बल्ब भी जला दिए। कुछ देर पहले आप लोग देखे ही थे अंधेरा था। चलिए अभी जल्दी खाना निकालती है फिर हम लोग खाते हैं। धन्यवाद गाइस। तो देख सकते हैं कितना मुश्किल से हम लोग बनाए थे लाइट और उसके बाद फिर लाइट भी चल गया तुरंत में क्योंकि हम पहले ही खा गए हमको भूख लग रहा था तो गया थे बड़ी मम्मी के घर में तो हम खा लिए थे। तो मुको भी खा रहे तो हम साथ में बैठते हैं इनका। तो चलिए गाइस तो अभी खाना वाना खा के निकल लिए हैं और हम घर और भी ताला बंद कर दिए हैं देख सकते हैं ये चाबी और इधर मुको गाड़ी वाड़ी घुसा रहे हैं। तो चलिए ये चाबी वो घर में कहे का मतलब है कहाँ रात में गाड़ी पैर पोछने वाला इधर निकाल लो पैर पोछने वाला इधर। गाइस तो फाइनली अभी हम लोग खाना वाना खा के और रूम पे आ चुके हैं रेस्ट करने के लिए। तो हम लोग क्यों आए हैं वैसे ससुराल आज क्योंकि मेरे कॉलेज में काम है। हाँ तो इसके कॉलेज पे काम है इसलिए हम लोग आए हैं। अचानक से मतलब अचानक से क्या पता था क्या जाना है लेकिन अचानक ही आ गए हम लोग दौड़ दौड़ के आते हैं। तो
चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, मतलब कल दिखाएंगे आप लोगों को कि हम कौन सा कॉलेज जाते हैं, तो ब्लॉग पर बने रहिएगा। नहीं उसके लिए न्यू ब्लॉग बना देंगे हम लोग, इसको तो कौन सा कॉलेज में कार्टून पढ़ाई करती है उसके लिए एक नया ब्लॉग बना देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को पता भी चल जाएगा, क्योंकि बहुत के अभी Q&A में आप लोग ये क्वेश्चन भी कितना कि आप लोग कहाँ तक पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो दिख जाएगा आप लोग को कार्टून कहाँ पढ़ाई करती है। अभी इसका पढ़ाई चल ही रहा है और मेरा भी चल रहा है, हो सके तो मेरा कॉलेज का भी दिखाएंगे आप लोग को, अगर आप लोग चाहेंगे देखना चाहेंगे तो क्या। चलिए फिलहाल आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।